Yo, what's up guys? आज जरा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम कवर कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है जू टाइकून। यू नो गाइस, रिसेंटली टेक्नो गेमर ने यह गेम प्ले किया और मुझे भी यार गेम मजेदार लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करी जाए और प्ले स्टोर पे कुछ ऐसे गेम ढूंढ निकालते हैं जिनमें यार हमको जू टाइकून की तरह एनिमल्स की केयर करनी हो, साथ में एक बड़े से जू को संभालना हो, तो कितना मजा आएगा यार सीरियसली। वेल फाइनली यार टोटली मुझे ऐसे 5 गेम मिले जिन्हें तुम प्ले कर सकते हो। इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी कैसी होने वाली है, जू टाइकून की तरह मजेदार है कि नहीं, सब बताऊंगा मैं तुमको। सो लेट्स गो। ऑलराइट, आज का पहला गेम है वंडर एनिमल जू कीपर। 90 MB का है सिर्फ ये एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा खेलने में। कम्प्लीटली गेम जू टाइकून की तरह है। सबसे पहले तो यार मैं शेरों को खाना खिलाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि मैं रास्ता भूल गया हूँ। वैसे कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि हर बार का ये, बट चलो कोई नहीं, फाइनली शेरों को खाना खिला दिया है मैंने। ऑलराइट गाइस, काफी गंदगी भी हो रखी है जू में, लगता है मुझे ही साफ करनी पड़ेगी, बट डोंट वरी, इसमें भी काफी मजा आता है मेरे को। वेल ऐसी मजेदार मिशन है गेम में कम्प्लीट करने के लिए, बट यू नो चांद पे दाग है, फिर ये तो गेम है। लाइक काफी छोटा गेम है ये, सिर्फ हाफ एन आवर लगेंगे कंप्लीट करने में। इसके अलावा गेम काफी अच्छा है, सिंपल कंट्रोल्स है, ग्राफिक्स क्वालिटी भी देखी जाए तो ठीक है क्योंकि साइज कम रखा हुआ है। वेल इसी के साथ अगले माइंड ब्लोइंग गेम की तरफ बढ़ते हैं। ऑनेस्टली गाइस ये वाला गेम बड़ा जबरदस्त है। उससे पहले यार मैं तुमको गेम के बारे में बताऊं, अभी मुझे पता चला है कि अगर 48 घंटे के अंदर मेरे जू में लोग नहीं आते ना तो जू बंद करना पड़ेगा। अब यार जू को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, सबसे पहले तो मेरे को न्यू एनिमल्स बाय करने पड़ेंगे। अब यार इनको भूख भी लगी है तो इनको खाने खिलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। वेल गाइस, ये गेम कुछ ऐसा ही है, जू कीपर हो तुम, एनिमल का ख्याल भी तुमको ही रखना है, साथ में ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हेल्थ भी सही रहे। फाइनली गाइस, अपना जू बंद होने से बच गया है बिकॉज फाइनली लोगों को पसंद आने लगा है। ओके देन, गेम का नाम है जू एनिमल पार्क एंड साइज 150 MB का है। वेल ऐसे ही तुमको भी नए नए एनिमल्स बाय करने पड़ेंगे, जू को भी डेकोरेट करते रहना, काफी कुछ अपग्रेड करने के लिए। अगले गेम के बारे में क्या ही बताऊं तुमको, जिसका नाम है जू कीपर सिमुलेटर। यार ऑलरेडी मैं जू पहुंचने के लिए लेट हो गया हूँ, ऑलरेडी पहुंच तो गया हूँ मैं और मुझे टास्क भी मिलने स्टार्ट हो गए। लाइक पहले तो मेरे को इस टाइगर को जू में वापस लेके जाना है, उसके बाद क्रोकोडाइल भी भूखा बैठा है, उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा, कहीं वो भूख से मर ना जाए। वेल गाइस, मजेदार तो है यार ये भी खेलने में, बट यू नो अभी काफी इम्प्रूवमेंट की जगह है। लाइक ग्राफिक्स क्वालिटी अभी और इम्प्रूव हो सकती है, अगर ऑप्टिमाइज कर दिया जाए तो गेम खेल में काफी बेटर लगेगा। सो इन माई ओपिनियन गेम तो ठीक है लेकिन शायद अभी खेलने के लायक नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। चलो फिर जल्दी से तुमको मैं अपने आज के फेवरेट गेम के बारे में बताता हूँ एंड इसका तो नाम भी बड़ा प्यारा है यार, पेट वर्ल्ड माई एनिमल शेल्टर। वेल गेमर्स, दिस गेम इज लिटिल बिट डिफरेंट देन जू टाइकून, बट वाव यार कितना अमेजिंग है। जो भी यार मेरी तरह पेट लवर है ना, देखना वो जू खेलेगा। इधर यार तुम पेट शेल्टर में इंटर्नशिप कर रहे हो और तुमको एनिमल की देखभाल करनी है बिल्कुल जू टाइकून गेम की तरह। होल्ड ऑन गाइस, अभी अपने को एक रैबिट को रेडी करना है बिकॉज कोई इसको अडॉप्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले मेरे को इसको खाना खिलाना है। बाबू को थोड़ा सलाह भी देते हैं, कितना प्यारा है यार सही में। ऐसे यार काफी सारे एनिमल्स है जिनका हमें इलाज करना होता है और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको फिर लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब जू टाइकून से अलग है ऑल्दो खेलने में कुछ वैसा ही है। वेल गाइस, मेरे कहने पे गेम को तुम ट्राई करना, डेफिनेटली पसंद आएगा। हाउएवर कंट्रोल गेम को थोड़ी सी टिपिकल है, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा समझने में। जू में एनिमल्स की देखभाल करना या फिर लोगों की उनको अडॉप्ट करने में मदद करना, ये सब एक तरीके का टास्क है। बट अगर जू बिजनेस रन करना हो तो भाई उसके लिए इस गेम को खेलना पड़ेगा जिसका नाम होने वाला है जू क्राफ्ट। ये 600 MB का गेम खेलने में तुमको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज बिजनेस रन करना है ब्रो। लाइक एक नया जू ओपन किया है तुमने, बस अब नए नए एनिमल्स बाय करने, लोगों को देखने आएंगे और तुम अमीर बन जाओगे। ओके वेट गाइस, जू में लोग तो आ रहे हैं लेकिन कुछ कमी लग रही है। यस, नए एनिमल चाहिए। चलो फिर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यू स्पीशीज फॉर्म करते हैं। वेट, सुनने में अजीब लगा। वेल गाइस, इस गेम में एनिमल लेबोरेटरी है, आई थिंक रॉन्ग प्रोनाउंस किया मैंने, चलो कोई नहीं, उसकी हेल्प से तुम नए एनिमल क्रिएट कर सकते हो जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये कमाल की बात है इस गेम में। ऑल्दो यार अगर हमको एनिमल की केयर करने को भी मिलती ना तो फिर ये मेरा आज का फेवरेट गेम होता। खैर अब भी यार गेम काफी अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी एक गेम और है जिसके बारे में तुमको बताना चाहता हूँ, एनिमल गार्डन। ये वाला गेम इज लाइक फार्मिंग गेम, इसमें तुमको एनिमल की देखभाल भी करनी है लाइक जू टाइकून, बट मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मिंग करनी है। ऐसा लगता है कि जू एज अ साइड बिजनेस है, फॉर दैट रीजन ये वाला गेम आज के लिस्ट में तो नहीं है लेकिन अच्छा लगा मुझे, तो तुम भी अगर ट्राई करना चाहो तो कर लेना। ऑलराइट गेमर्स, ये थे फिर कुछ ऐसे जबरदस्त एंड्रॉइड गेम विच इज लाइक जू टाइकून। आई होप गेम आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो के साथ अगर मेरा काम अच्छा लगा तो एक लाइक डेफिनेटली बनता है एंड आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपकी जिम्मेदारी कि मेरे चैनल को ग्रो करने में आपको मेरी मदद करनी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, दैट्स इट। अब मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली जबरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।